तो चलो आज इसे बनाते हैं, क्योंकि तुम लोग डिमांड कर रहे हैं इस वीडियो के। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा चार स्टिक जो थोड़ा सा मतलब जोरदार हो, ठीक है, ऐसे नीचे टूटे नहीं। फिर हमें चाहिए कुछ रबर, फिर हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर, एक ऐसा नोब कोई भी ले लेना, फिर जो है कुछ सीजर, और फिर हमें चाहिए नट। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो दो स्टिक है ना, उन दो स्टिक में छेद करूँगा, मतलब जो इक्वल्स होगा वहाँ पे दो छेद करूँगा, सोरेज में स्क्रू को डाल सकूँ, तो यहाँ पे मैं छेद करूँगा। तो चलो पहले हम यहाँ पे जो है दो छेद कर लेते हैं दोनों में इक्वल साइज में, ठीक है, चलो कर लेते हैं। एक स्टिक में हो गया, अभी हम जो दूसरे स्टिक में करेंगे जो इक्वल साइज का है, रिमेंबर इक्वल साइज चाहिए, तो यहाँ पे मैं अभी करूँगा, तो चलो इसे भी हम कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें भी हमारा छेद हो चुका है, तो हम दोनों को इक्वल में ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जो बीच में और एक लगाना पड़ेगा वहाँ पे भी हमें छेद करना पड़ेगा, तो एक ले ले रहा हूँ। और रिमेंबर इसको लगाने का तरीके ये कि ऊपर की साइड थोड़ा कम रहेगा, नीचे की तरफ जो है थोड़ा ज़्यादा वाला स्पेस रहेगा, ठीक है, स्टिक लंबा जो नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो बीच में मैं ऐसे लगा के जो एक छेद करूँगा। चलो इसे भी कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा छेद हो चुका है, अभी जो इसे हम स्क्रू की मदद से कच के टाइट करेंगे। तो पहले वाले में चलो इसको हम लगा लेते हैं, फिर जो है सेकेंड वाले जो मतलब मिडिल में आएगा उसको हम कनेक्ट करेंगे, फिर थर्ड वाला जो आएगा उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, तो यार चलो इसे भी हम कर लेते हैं। तो अभी मिडिल वाला लगेगा, उसके बाद अभी थर्ड वाले लगेगा। तो फर्स्ट लग चुका है, सेकंड लग चुका है, अभी थर्ड वाले में जो है हम नट को कस करके टाइट कर देंगे। तो इस तरफ तीनों स्ट्रिक लगने के बाद देखिए तो फ्रीली मूव करने लगा है, तो रिमेम्बर थोड़ा बीच में जो गैप रहना चाहिए। तो अभी सेम टू सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे नेक्स्ट तरफ भी, रिमेंबर सेम टू सेम प्रोसेस दोहराएंगे। तो वही यार छेद करना है, मिडिल वाले में लगाना है, स्क्रू को टाइट करके लगा देना है, और दोनों का इक्वल साइज में होना चाहिए, सोरत की जो ऊपर की तरफ कम स्पेस रहे। अभी मेन फ्रेम पे जो है दोनों तरफ सेम स्पेस रखना है, तो मेजर करके उसको कर देना। यार ये सब करते करते मेरे हाथ में ना छाले पड़ चुके, देखो कैसा हो गया। तो छेद हो जाने के बाद अभी हम स्क्रू को लगाएंगे, सेम प्रोसेस सेम टू सेम पहले जैसे लगाया था। तो स्क्रू लग जाने के बाद हमारा फ्रेम रेडी है, दोनों अच्छे से मूव कर रहा है, तो ये लूज हो जितना होगा वो हमारे लिए मतलब बेस्ट है। फिर अभी हम यूज़ करेंगे मिडिल वाले पार्ट को, जो बेसिकली एम करने में हमारे मदद करेंगे, तो इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे, और मैं जो है जिप टाई की मदद से अच्छे से बीच में लगूंगा, सो दैट ऊपर का जो फ्रेम है वो टच ना करे। तो जिप टाई की मदद से मैं दोनों को मतलब दोनों तरफ से जिप टाई लगा के उसको अच्छे से बीच में छेद करवा लूंगा। तो ये बहुत सिंपल है, चलो इसे हम फास्ट फास्ट कर लेते हैं। तो ये लग चुका है, देख सकते हो बहुत अच्छे से, तो अभी टच भी नहीं कर रहा। अभी हम रबर का यूज करेंगे, और फ्रेम में यहाँ पे लगाने के बाद जो ऊपर का साइड जो निकला हुआ है ना, तो वहाँ पे भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल है, वीडियो में जैसा दिखा रहा हूँ वैसे कनेक्ट करना। तो रबर को अच्छे से लगाने के तुम जो टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, सो दैट वो निकल ना आए, अदरवाइज वो निकल जाएगा तो मतलब जो हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो हम टेप से अच्छे से यहाँ पे उसको कस के लगा देंगे, बहुत सिंपल है, दोनों तरफ सेम टू सेम वही काम करना है। तो यार चलो मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ, सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसे हम कर लेते हैं। तो देखो ये लग चुका है और अच्छे से मूव भी कर रहा है, तो सेम टू सेम इस तरह भी हमें करना है, तो चलो इसे भी हम कर लेते हैं। तो ये भी अच्छे से लग गया है। नाउ यू कैन सी बोथ आर वर्किंग परफेक्टली, जैसा हम चाहते थे वैसे ही काम कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, और एक रबर को कट करके जो पीछे वाला साइड है वहां पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड मतलब कनेक्ट कर देंगे। तो ये भी सेम प्रोसेस है, सिप्ता की वजह से मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली लगा रहेगा।
तो जिप टाई से लगने के बाद मैं जो टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो रहे थे मतलब और स्ट्रिक्टली लगा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस हमें जो है नेक्स्ट तरफ भी दोहराना है, मतलब यहाँ पे लग चुका है, तो अभी मुझे इस तरफ भी जिप टाई की मदद से मैं कनेक्ट करूँगा, फिर टेप की मदद से उसको जो टाइट करके लगा लूँगा। तो बहुत सिंपल है, चलो इसे भी हम कर लेते हैं। तो ये लग जाने के बाद हमारा फ्रेम अभी रेडी है, तो अभी है उसको टेस्ट करने की बारी, कैसे काम कर रहा है वो टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं ऑब्वियसली तुम लोगों को दिखाऊंगा कैसे कैसा काम कर रहा है। तो अभी ये बस नेबो स्टेशन के लिए देख सी, तो ऐसे ये काम करेगा, बाद ये छोटा हम बड़ा वाला लाते हैं और टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट में हमारा जो फ्लिपकार्ट से आया हुआ कार्टन है, ठीक है, बॉक्स है, तो यहाँ पर मैं इससे ये बड़ा वाले से ट्राई करूँगा और देखते क्या रिजल्ट निकलता है। तो मैंने जब एरो को मारा तो वो बेसिकली अंदर तो घुसा नहीं, बट अगर मैं तुमको ये वाला बॉक्स पास लाकर दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पे छेद हो चुका है, लिटरली एक छेद हो गया। तो उसको हम फिर से ट्राई करेंगे और देखते हैं इस बार अंदर जाता है कि नहीं। इस बार अंदर तो चला गया, बट बॉक्स बहुत पास में रखा था, तो चलो इसको दूर करके देखते अभी क्या रिजल्ट निकलता है। भाई साहब अंदर चला गया है लिटरली, ये देखो, चलो और वक्त ट्राई करते हैं।